So a very good evening to all of you guys and welcome back once again to the series of government schemes. In today's session, we will discuss another very important scheme of the Ministry of Rural Development, which is Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. And I hope jo schemes humne Monday to Friday pichle week mein padhi thi, wo aapne revise kar li hai. Guys, continuously revise karte rehna, otherwise bhool jaoge. Bahut sari cheeze hoti hain, bahut sara data hota hai and it is very difficult to remember all the data without the continuous revision. So continuous revision बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So let's begin with the session. But before we begin, if you are coming here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon. You can also join this Telegram group and here you will get the PDF of this session after the session. All right. And if you want to have a personal connect with me, you can follow me on Instagram. This is my Instagram ID, Mashi Manish. Let's begin with the session, guys. And first of all, let's do those things that you can do effortlessly. जिसको आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम? सो द ऑब्जेक्टिव गाइस इज वेरी वेरी इजी. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. आवास मींस व्हाट? आवास मींस हाउस एंड ग्रामीण मींस वी ऑल नो इज रूरल. सी देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना. वन इज अर्बन एंड वन इज रूरल. अर्बन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बिकॉज currently we are focusing on the Ministry of Rural Development. And another component is the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, which is being implemented by the Ministry of Rural Development. So don't get confused. Aisa nahi hai ki dono component ek hi ministry implement kar rahi hai. Dono ke liye alag alag ministries hain. All right. So Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, what is the objective? To provide pakka houses. To provide pakka houses with all basic amenities. With all basic amenities like toilet, like drinking water, like electricity. ये सारी चीजें provide की जाती हैं in the Pradhan Indra houses constructed under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Now ये बहुत basic सी बात है, याद रखने की इसमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. Basic amenities वाली, that if you are constructing a house, if you are giving a house, then without the basic amenities उस house को देने का कोई मतलब नहीं है. मान लो कि आपने दीवारें खड़ी कर दी है, एक छत लगा दी और उसमें बिजली नहीं है, उसमें पानी नहीं है, उसमें टॉयलेट नहीं है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट हाउस? ओके, वो तो फिर चार दीवारी हो गई, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है. एंड पक्का हाउस भी याद रखने की जरूरत नहीं है गाइस. ऑफ कोर्स कच्चे हाउस तो बनाएगी नहीं गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट कच्चे हाउस बनाएगी तो बहुत जूते पड़ेंगे, आपको भी पता है. सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज टू कंस्ट्रक्ट, इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू कंस्ट्रक्ट द पक्का हाउसेज विद ऑल द बेसिक अमेनिटीज. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम. एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अदर थिंग्स. मिनिस्ट्री तो क्लियर है गाइस, मिनिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हेडेड बाय मिस्टर गिरिराज सिंह. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी. सो एलिजिबिलिटी के लिए दे आर टेकिंग डेटा फ्रॉम द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस फॉर द एलिजिबल बेनिफिशरीज. दे आर टेकिंग डेटा फ्रॉम द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. सो SECC डेटा विल बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग हाउस होल्ड हु आर जेन्युइनली डिप्राइव्ड ऑफ मल्टी लेयर्ड प्रायोरिटाइजेशन बेसिस. ओके, बेसिकली ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास बेसिक अमेनिटीज नहीं है, दे विल बी आइडेंटिफाइड एंड दे विल बी प्रोवाइडेड हाउसेस. दे विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन हाउसेस. ऑलराइट, एंड ऑल द हाउसलेस एंड हाउसहोल्ड विद 0, 1 और 2 रूम्स विद कच्चा वॉल्स एंड कच्चा रूफ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 रूम्स हियर? 0 रूम का मतलब यह है कि यह घर है जिसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है, सिर्फ एक ऐसे हॉल टाइप का बना हुआ है. तो दे आर कंसिडरिंग इट एज अ 0 रूम. And if that 0 room or 1 room or 2 rooms is with kaccha walls and kaccha roofs, then the person will get the benefit under this particular scheme. If this 0, 1 or 2 rooms is with the pakka walls and the pakka roofs, then of course the benefit will not be provided. And remember, the priority will be given to SCs, ST or the minorities. There is a criteria of automatic inclusion because certain class of people are automatically included without checking their eligibility for this particular scheme. Number 1 is the household without shelter. ऐसे लोग जो बिना shelter के रह रहे हैं. Number 2, destitute living on alms. Number 3, manual scavengers, primitive tribal groups, and legally released bonded laborers. So this guys is very important. You have to remember this, the automatic inclusion criteria. However, there are certain automatic exclusion criteria also which you do not have to remember because those are 13 in number. ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन के कितने? 13 हैं क्राइटेरिया. इंक्लूजन के लिए सिर्फ 5 है. सो यू शुड रिमेंबर दिस.
Number one is household without shelter, destitute living on alms, manual scavenger, primitive tribal groups, and legally released bonded laborers. Now moving ahead to other things, automatic exclusion. As I told you, there are 13 exclusion criteria, which of course you should not remember. सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, because there are certain things that we cannot remember. और अगर मान लो कि इससे कोई question आता भी है, तो वो almost student नहीं कर पाएंगे. So अब देखो, ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो गया, ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हो गया. बट दोज पर्सन्स हु डू नॉट कम अंडर द ऑटोमेटिक इंक्लूजन और द ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? उनके लिए ये क्राइटेरिया है, हाउस होल्ड विद नो एडल्ट मेंबर बिटवीन एज 16 to 59. ऐसा हाउस होल्ड जिसमें 16 से 59 के बीच का कोई एडल्ट मेंबर नहीं है. फीमेल हेडेड हाउस होल्ड विद नो मेल मेंबर्स बिटवीन एज 16 to 59. फीमेल एक हाउस होल्ड है जिसकी हेड फीमेल है और उसमें कोई मेल मेंबर नहीं है बिटवीन द एज 16 to 59. हाउस होल्ड विद नो लिटरेट एडल्ट अबव 25 years, 25 साल से ऊपर का कोई भी लिटरेट एडल्ट नहीं है. हाउस होल्ड विद एनी डिजेबल्ड मेंबर एंड नो एबल बॉडी एडल्ट मेंबर. एंड देन फाइनली लैंडलेस हाउस होल्ड डिराइविंग द मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम मैनुअल कैजुअल लेबर्स. सो दीज आर द क्राइटेरिया ऑन विच द बेनिफिशरीज आर बींग डिसाइडेड under this particular scheme, Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen. And now let's talk about the funding pattern. So that's very easy. Centrally sponsored scheme. It is a centrally sponsored scheme. So if it is a centrally sponsored scheme, then the funding pattern, guys, is very easy to remember. For states 60-40, for northeastern and hilly states, it is Northeastern and Himalayan state, it is 90-10, and for UTs it is 100% by the government of India. So I hope this is very easy. And there is one other thing, that 95% fund inclusive of 4% of administrative expenses will be given to states or UTs for the houses, or jo baki 5% bache, that will be reserved for the special projects. Now these special projects, guys, are not important. Just remember that there are 5% reserve fund for the special projects, while the 95% fund, including 4% of the administrative expenses, that will be given to the states or UTs for construction of houses. Alright, and remember, in this year's budget, Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen, Pradhan Mantri Awas Yojana, not Grameen, overall, Pradhan Mantri Awas Yojana has been allocated 27,500 crore rupees. 27,500 करोड़ रुपए इनको मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को. दोनों में बाइफ्रिकेशन नहीं है. तो जस्ट रिमेंबर दैट इन द प्रधानमंत्री आवास योजना 27,500 करोड़ एलोकेट इनको किया गया है. नाउ मूविंग अहेड टू द कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स. नाउ एज आई टोल्ड यू दैट सर्टेन बेसिक अमेनिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू द हाउसेज दैट आर गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस स्कीम. कुछ बेसिक अमेनिटीज दी जाएंगी. नाउ बेसिक अमेनिटीज कहां से दी जाएंगी? क्या उसी में से पैसा दिया जाएगा? नो. सो देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम थ्रू विच द बेसिक अमेनिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू द पक्का हाउसेस और टू द बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जेंस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंडर विच टॉयलेट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन दोज पक्का हाउसेस. उसके अंदर टॉयलेट बनाया जाएगा एंड फॉर दिस ₹12,000 will be provided. ₹12,000 toilet construction के लिए दिए जाएंगे under the Swachh Bharat Mission Grameen. Then Manrega. So Manrega में क्या है? It is mandatory to provide support of 90% days work. But if it is a hilly and difficult area, then it is 95% days unskilled manual work to a Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen beneficiary. ठीक है, जो Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen के beneficiary होंगे, उनको minimum 90% डेज का वर्क देना पड़ेगा अंडर मनरेगा. बट इफ इट इज अ केस ऑफ हिली और द डिफिकल्ट एरियाज और द ट्राइबल एरियाज, देन 95% डेज वर्क विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज. ऑलराइट, देन जल जीवन मिशन. ऑफ कोर्स, अब आपने घर बना दिया, पानी दिए नहीं, तो उस घर का अचार डालूंगा मैं. तो अंडर द जल जीवन मिशन दे आर प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, दे आर प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शंस टू द बेनिफिशियरीज ऑल्सो. And under Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, DDU-GJY, they are also providing electricity to the Pakka houses which are being built under Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen. Alright, so these are some of the convergence of schemes through which the basic amenities are provided to the houses jo ki ban rahe hain under this scheme. Moving ahead to the guys, things to remember. Now these are the things that you have to remember. First of all, you have to remember the target.
target number of houses which are to be built till the year 2022. So till the year 2022, 2.95 crore houses are to be built. इसके phase 1 में that is up to the year 2018-19, 1 crore houses were built, 1 crore house बनाए गए थे. While जो phase 2 है वो चलेगा 2022 तक, they are going to construct the rest 1.95 crores. So remember, overall target is 2.95 crore. पहले phase में 2018-19 तक 1 crore था, और अब जो second phase है उसमें 1.95 crore houses will be built. The scheme was launched in the year 2016. So this year in the month of November, it will complete 5 years. And minimum size of house उसमें कितना होना चाहिए? At least 25 square meter, including a dedicated area for hygiene cooking. 25 square meter का minimum size का घर होना चाहिए इसमें. And of course, the construction of house should be done within 12 months from the sanctioning. 12 महीने के अंदर अंदर वो घर बन जाना चाहिए. और इसमें एक बात याद रखना, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये घर नहीं बनेगा, खुद ही घर बनाना होता है इसमें. कॉन्ट्रैक्टर घर जाके नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्टर को देने का पैसा है तो बेटा फिर तुम एलिजिबल नहीं हो उतना इस पैसे के लिए. ऑलराइट, सो द कंस्ट्रक्शन शुड बी डन विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ द हाउस. एंड मूविंग अहेड टू द असिस्टेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बेनिफिशियरीज इन प्लेन एरियाज विल गेट रुपीज 1.20 lakh. अर्लियर इट वॉज अराउंड I guess 70,000 or 80,000. I do not remember it actually. But now it is 1.20 lakh. Beneficiaries in hilly, difficult and left-wing extremism district, it is 1.30 lakhs. Willing beneficiaries can also avail certain loan from the financial institution. मान लो कि घर बनाते वक्त 1.20 lakh में पूरा नहीं पड़ पा रहा है, तो they can also avail loan from the financial institution worth maximum rupees 70,000. कितना लोन ले सकते हैं? मैक्सिमम 70,000 रुपए. एंड 12,000 एज आई टोल्ड यू विल बी गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. सो दीज आर द असिस्टेंस दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज. नाउ देयर इज एन ऐप फॉर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ दिस स्कीम, दैट इज आवास सॉफ्ट ऐप. एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम ICAR, AO, F&AO. So this is a very good example of e-governance, because उसमें governance का एक topic है. So you can cite this example as well. Now there is a provision of audit, guys. Now this is very important. Generally ऐसी schemes की audit जो होती हैं वो या तो ग्राम पंचायत करती है या तो state finance commission करती है. But this particular scheme is being audited by CAG. CAG will audit the accounts of Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen at state level and administrative fund account at the district level on or before 31st August of next financial year. This date is not important. Just remember that CAG is auditing the accounts of Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen. And there is a provision of social audit also. I hope you all remember the meaning of social audit, जिसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है. और ये वो लोग हैं who are affected by that particular scheme along with the Gram Panchayat to have the audit of this scheme. And all PMAYG accounts at all levels can be audited by CAG or internal audit wing. Basically, CAG is going to audit the accounts of Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen, and there is a provision of social audit also. So this is about the audit. And guys, itna hi is scheme mein. Ek baar jaldi se revise kar lete hain fir se sara. Kya kya pad liya humne? Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen to provide pakka houses with all the basic amenities to the eligible beneficiaries. For identifying the eligible beneficiaries, the government is using the SECC data, and those person who are generally deprived of the pakka houses, they will be provided houses under this particular scheme. SCs, STs or minorities will be given priority. Automatic inclusion mein 5 criteria hain: household without shelter, destitute living on alms, manual scavengers, primitive tribal groups and legally released bonded laborers. Automatic exclusion mein there are 13 criteria which you do not have to remember. And this is the criteria for those who are neither automatically included nor automatically excluded. Funding pattern bahut easy hai, 60-40-90-10 and 100%. 95%, including 4% of the funds, will be given to the states for construction of houses or the UTs, and rest 5% will be reserved for the special funds. 27,500 crore rupees is saal budget mein isko mila hai. And there is a certain convergence of scheme through which various benefits are provided. So, you know, the basic amenities are provided to the pakka houses, like Swachh Bharat Mission Grameen toilets, Manrega, person days work,
जल जीवन मिशन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, देन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन एंड डीडीयू जीजेवाई ग्राम ज्योति योजना इलेक्ट्रिसिटी। टारगेट्स 2.95 करोड़ टोटल है 2022 तक, 2018-19 तक फेज वन में 1 करोड़ था और बाकी बचा हुआ 1.95 करोड़ इट वॉज टिल द ईयर 2022। लॉन्च ईयर 2016 है। मिनिमम साइज 25 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए और 12 महीने के अंदर अंदर घर खड़ा हो जाना चाहिए। असिस्टेंस है प्लेन एरियाज में 1.20 लाख, हिली एरियाज और डिफिकल्ट एरियाज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 1.30 लाख। लोन कैन ऑल्सो बी अवेल्ड अप टू ₹70,000 एंड 12,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। आवास सॉफ्ट ऐप इज यूज फॉर द स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ऑडिट व्हिच इज बीइंग डन बाय CAG and also the social audit which is being done by Gram Panchayat including those people who are affected by this particular scheme. So I hope guys the scheme is clear and now let's talk about the questions that can be asked in your exam. Which of the following offices has the responsibility of auditing accounts of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin? So here you might get confused between the State Finance Commission and the CAG. So remember the correct answer to this question is Office of CAG, option C. Question number 2, which of the following statements is incorrect with respect to the scheme Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin? Such type of questions come in the phase 1 of NABARD. So, is tarike ke question ke liye tayar hai na? Rupees 1.20 lakh is provided to the beneficiaries in plain area. This is absolutely correct. The scheme was launched in 2016. Correct? 5% funds are reserved for special projects. Absolutely correct. ₹12,000 is provided for construction of toilets under Swachh Bharat Mission Grameen. This is also correct, which means the correct answer must be option E. Minimum size of houses constructed under the scheme is 50 square meter. No, not 50 square meter, it's 25 meter square. So, which means the correct answer should be option E because we have to identify one incorrect statement out of all these. And question number 3. How many houses are targeted to be completed under Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen till 2022? So that's 2.95 crores the overall target. In the phase 1, 1 crore houses were built, while in the phase 2, they are targeting to construct 1.95 crore houses. Guys, that's it for the session. I hope the scheme is clear and all the questions are also clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. Milte hain kal ek nayi scheme ke saath. Goodbye, take care and God bless.